नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एवरेस्ट की चुनौती इस पाठ के अंतिम भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं में विषय हिंदी में पाठ एवरेस्ट की चुनौती का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व वाले भागों पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। हमने पाठ में पढ़ा था कि अब हिलेरिक की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए थे और रावत चट्टान पर फिसल रहा था तथा उसके बाद लेखक को और फूदोर जी को ऊपर खींच लिया गया था। अब सारे एक चबूतरे पर थे। वहाँ कुछ देर सुस्ताने के बाद वे आगे ढलान वाला रास्ता जब कुछ कम हो गया, वे आगे बढ़ने लग गए। अब पहाड़ी भी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके सब सोचकर खुश हो रहे थे कि अब शिखर बिल्कुल पास आ गया है। अब संघर्ष और अधिक कठिन हो जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जाते रह रहे थे। अब लेखक सोचते हैं कि हमें कब तक चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि शरीर भी अब जवाब देने लग गया था कि अब काफ़ी हो गया। 15 अब शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। आइए अब हम अंतिम भाग की ओर चलते हैं। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रही थी। लग रहा था जैसे इसका कभी कोई अंत ही न है। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे ज़रा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी, यानी दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार भाग जैसा। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पा रहे थे। अर्थात वे उस 8848 की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। मुखपटों से चेहरा ढका था, फिर भी प्रसन्नता छिप नहीं रही थी एक दूसरे को देखकर। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी कि जो चुनौती हमने स्वीकार की थी आज वह पूरी हो गई है। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था। जो भी पिछला दल आया था, जिन्होंने इस चढ़ाई को पूरा किया था, उसने भी एक झंडा गाड़ा था जो कि हवा के तेज़ हवा से फट चुका था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था, लेकिन शान से लहरा रहा था फटने के बावजूद भी। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। जो भी दल आए थे अपनी अपनी निशानी छोड़कर गए थे याद के रूप में कि हमने उस शिखर पर चढ़ाई की थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने चारों ओर देखा, घूमा और चारों ओर का नज़ारा देखा। क्या देखते हैं कि उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। चारों दिशाओं की ओर नज़र घुमाई। कुछ दूर पार आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुन में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। जब वे चारों ओर अपनी नज़र डालते हैं तो कुछ धुंधला सा तैरता हुआ थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया।
अर्थात कोई मठ जिसका नाम थ्यांगबुच है मठ था। यह दृश्य अविस्मरणीय था, इसे हम कभी भी भुला नहीं सकते थे। इतनी ऊंचाई से देखने पर संसार को इस छत पर, संसार के सर्वोच्च ऊंचे छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, लेखक कहते हैं कि संसार के सर्वोच्च उच्च पर्वत पर जब हम खड़े हो गए और जब देखते हैं चारों ओर का नज़ारा, तो मेरे मन में अनेक भावनाएं निर्माण हुई उठी। उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी, प्रेम की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद प्रदान कर रहा था कि यह चढ़ाई खत्म हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी। रावत ने शिखर पर झुका और दुर्गा की मूर्ति रखी और उसके सामने ज़रा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक की एक फ़ोटो और माला रखी। फूदोर जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फ़ोटो लगा हुआ था, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। संसार की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचते हैं तो खुशी होती है, इसलिए उन्होंने मीठे के रूप में बिस्किट, मिठाइयाँ और चॉकलेट रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुँच गया था और ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। याद के रूप में फ़ोटो भी तो अवश्य है। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर की बहुत सी फ़ोटो खींची। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर, बर्फ का ग्लेशियर था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते में 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। यहाँ लेखक बताते हैं कि मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तरी कोण की ओर दृष्टि डाली तो इसी रास्ते से सन 1920 और 30 में सबसे पहले जो अभियान दल आए थे वे चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था, किसी सपने से कम नहीं था। यह समय एक सपना ही लग रहा था खुली आंखों से। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा समय गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया कि अब वापस जाना है, तो मैं थोड़ा दुखी उदास हो गया। क्यों? मेरी उदासी का क्या कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई थी उसे मैंने छू लिया और इससे बड़ी अब कोई ऊंचाई चढ़ने की नहीं रह गई। विद्यार्थियों, देखा, एवरेस्ट की चुनौती, हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियाँ आती हैं और इन चुनौतियों को मुंह देकर ही हमें आगे बढ़ना है, तभी तो हमें सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ भी फूदोर जी, रावत और लेखक को सफलता प्राप्त हुई। मुझे आशा है आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए। हाँ, गृह पाठ। एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा। लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आशा करती हूँ इस प्रश्न के उत्तर आप अवश्य पूर्ण करेंगे। अब नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।